मित्रों, हम गायत्री की साधना तो करते हैं, लेकिन कुछ कुछ बुनियादी भूलें हम उसमें करते रहते हैं, इसलिए मंत्र हमें फलित नहीं होता है। तो उन बुनियादी भूलों को कैसे सुधारा जाए? कौन कौन सी ऐसी बुनियादी भूल हैं जो हम करते हैं, जिन्हें यदि हम नियम पूर्वक करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी साधना सफल होगी? इसी संदर्भ में आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अपनी बात बताने के लिए जा रहे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित वीस पारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, हम गायत्री की साधना करते समय कौन कौन सी बुनियादी भूलें करते हैं, उन भूलों को यदि हम समझ जाएं और उन भूलों को सुधार करके यदि हम गायत्री की साधना करेंगे तो हमें अपने जीवन में कई प्रकार के चमत्कारी लाभ होंगे। एक छोटे से प्रसंग के माध्यम से हम आपको अपनी बात बताने का प्रयास करेंगे। गायत्री जप के विषय में अनेक व्याख्यान प्रचलित हैं, उनमें से एक सोम शर्मा नाम के एक ब्राह्मण का एक रोचक आख्यान श्री गायत्र्यार्थ प्रकाश में बताया गया है। उसमें बताया गया है कि सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण था, उसने निष्काम भावना से गायत्री के कई पुरस्चरण किए हुए थे। उसकी पत्नी भी धार्मिक थी, धर्मप्रायण थी और नित्य जो है अपनी पति की सेवा करती और वो भी गायत्री का जाप करती थी। उसके चार पुत्र थे, तीनों भाई सभी प्रकार से योग्य थे, किसी प्रकार का कोई भी उनमें कुसंस्कार नहीं था। लेकिन जो चौथा छोटा था उसके अंदर एक आदत पड़ गई, वो चोरी करने लगा था। सोम शर्मा अपने पुत्र को, छोटे पुत्र को लेकर के बड़ा परेशान था कि इसकी ये आदत कैसे पड़ गई है। लेकिन सभी भाइयों के समझाने के बाद में, उसकी माँ के समझाने के बाद में, पिता के समझाने के पश्चात भी वह लड़का चोरी करना नहीं छोड़ता था। जब सोम शर्मा का अंतिम समय आया, सारे नाते रिश्तेदार वहाँ पर एकत्रित हुए, सभी तीनों पुत्र भी उसके पास में थे, उसने चौथे पुत्र को भी बुलवाया और उसको अपने पास में बुला करके बोला कि बेटा, मैंने अपने जीवन पर्यंत माँ गायत्री की उपासना की है और मेरे तीनों पुत्र भी उपासना करते, तेरी माँ भी गायत्री को उपासक है, तू एक कैसा है जो चोर निकल गया है, तो मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो उस बच्चे ने अपने पिता के कान में कहा कि मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, बस चोरी छोड़ने की बात भर मत करना। तो उसने बोला ठीक है, तू चोरी कर, लेकिन मेरी बस एक अंतिम इच्छा पूरी कर दे। बोले क्या है? बोले नित्य जो है तू एक माला गायत्री मंत्र का जाप किया करे, ब्रह्म मुहूर्त में जब सूर्य उदय होने वाला हो उसके पूर्व जो है एक निश्चित समय तू बांध ले, उस निश्चित समय पर तुझे गायत्री की साधना करना है। उसने बोला कितना समय लगेगा? बोले ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेगा। उसने बोला ठीक है, दिन भर में 10 मिनट निकाला जा सकता है, कोई बड़ी शर्त नहीं है। उसने अपने पिता को आश्वासन दिया कि ठीक है, मैं गायत्री मंत्र का जाप किया करूँगा। वो नित्य चोरी करने के लिए जाता, उसके पिता की मृत्यु हो गई। जब वह बालक चोरी करने के लिए जाता और जैसे सूर्योदय होने का समय आता, ब्रह्म मुहूर्त का समय आता, उसने एक निश्चित समय बांध लिया था कि 5 बजे मुझे गायत्री की साधना करना है। तो जहाँ कहीं भी होता, वो स्नान आदि करने के पश्चात में वहीं पर बैठ करके वो साधना कर लेता। तो उसके मन में विचार आया कि क्यों ना लम्बा हाथ मारा जाए, यदि पकड़े गए तो मृत्यु दंड मिलेगा और यदि नहीं पकड़े गए भाग्यवश तो पूरा जीवन सफल हो जाएगा और चोरी करने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, पिता की भी इच्छा पूरी हो जाएगी। उसके मन में भी था मरते समय कि मैं चोरी करना छोड़ दूँ तो क्यों ना एक लम्बा हाथ मारा जाए। यह विचार करके वो जो है
राजमहल पहुंच गया। चूंकि कुशल था, वहां से राजमहल से उसने रानियों के हार चुराए और अपने वहां से निकल पड़ा। जैसे ही वहां से निकला, थोड़ी दूर के पश्चात उसने देखा कि ब्रह्म मुहूर्त का समय हो रहा है, 5 बजने वाले हैं, सूर्योदय होने वाला है। वहां पर उसको एक जलाशय दिखा। उसने उन जेवरों को अपने कपड़े में लपेट करके और उस जलाशय में स्नान करके गायत्री की साधना करने लगा। जैसी राजमहल में पता चला कि रानियों के जेवर चोरी हो गए हैं, तो सारे सैनिक उस चोर को पकड़ने के लिए निकले। कुछ लोग जब उसके पास में वहाँ से निकले, तो उन्होंने देखा कि कपड़ों के पास में एक सुंदर युवती 16-17 साल की, जिसका बहुत ही तेज प्रकाश दिखाई दे रहा है, वो वहाँ पर बैठी हुई है और वह बालक जो है वहाँ पर साधना कर रहा है, गायत्री की उपासना कर रहा है। तो उनके अफसर ने बोला कि भाई ये लड़की जो है शायद इसकी पत्नी होगी और इसके कपड़ों की रखवाली कर रही है, और यह तो कोई ब्राह्मण जो है संत महात्मा दिखाई दे रहा है, बड़े ध्यान से पूजन कर रहा है, यहाँ पर चोरी करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वो लोग वहाँ से चले गए। जब उस लड़के की साधना पूरी हुई, जब उसका मंत्र जाप पूर्ण हुआ, तो उसने देखा कि मेरे कपड़ों के पास में कोई लड़की बैठी हुई है पीठ किए हुए। तो उसने उससे पूछा कि भाई आप कौन हैं, मेरे कपड़ों के समीप क्यों बैठे हुए हैं? तो उसने बोला कि तेरे जो प्राण है इस समय संकट में थे, क्योंकि तेरा पिता मेरा अनन्य भक्त था, उसने इतनी मेरी साधना की थी और आज उसके लड़के के ऊपर जो है संकट आ गया था, तो मैं तेरी प्राणों की रक्षा करने के लिए आई थी, लेकिन मैं तेरे से प्रसन्न नहीं हूँ। तो उसने बोला लड़के ने कि आप माँ गायत्री हैं, मुझे आभास हो गया है, आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रही हैं? तो उस युवती ने बोला कि मैं तुझे दर्शन नहीं दे सकती, क्योंकि तेरे कर्म ठीक नहीं है। तू इस कर्म को छोड़ करके, चोरी को छोड़ करके, और तू मेरी साधना कर। निश्चित रूप से जब तेरी साधना परिपक्व होगी, मैं तुझे दर्शन दूंगी। और वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। उस लड़के को आत्मज्ञान हुआ और उसने सारे कृत्य छोड़ करके और माँ गायत्री की शरण में गया, और फिर उसे माँ गायत्री के दर्शन हुए। मित्रों, ये सब चीज़ें कब होती हैं? जो हम बुनियादी भूलें करते हैं, इस प्रसंग को बताने का तात्पर्य हमारा यही था कि आप कोई भी कर्म कर रहे हों, वो कर्म आपके आप से आप छूटते हुए चले जाते हैं, बशर्ते कि आपको 2-3 चीज़ों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले आपकी श्रद्धा होना चाहिए। जिस भी मंत्र का आप जाप करते हैं, पूर्ण श्रद्धा युक्त आदि आप करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। दूसरा, समय नित्य आपको बगैर नागा किए हुए मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 4-5 दिन किया, इसके बाद में 8-10 दिन तक छोड़ दिया, फिर जब मनाया तब फिर करने लगे। जब तक आपको अच्छा लगा आपने किया, जिस दिन आपको लगा कि नहीं हमारा कोई काम नहीं बन रहा, ये तो सब बेकार है, और आपने साधना छोड़ दी, तो ऐसे में कोई भी मंत्र आपका फलित नहीं होता। निश्चित समय पर आपको साधना करना चाहिए। साधना का समय निश्चित होना चाहिए। जिस प्रकार से उस चोर का एक समय निश्चित था कि वह 5 बजे जो है ब्रह्म मुहूर्त में साधना करता था, चाहे कहीं पर भी हो, कैसा भी हो, वह 5 बजे अपनी साधना निश्चित रूप से करता था। तो आप निश्चित समय पर साधना करेंगे, श्रद्धा के साथ साधना करेंगे, और बगैर नागा किए हुए यदि आप साधना करेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी गायत्री मंत्र की साधना सफल होगी, और आपके लिए निश्चित रूप से माँ गायत्री के दर्शन भी हो सकते हैं, उनके मंत्र का आपको कई प्रकार से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो मित्रों, आप गायत्री की साधना करते हैं तो ये 3 सूत्रों का आप अपने जीवन में अपनाएं। पहला है श्रद्धा, दूसरा है बगैर नागा किए हुए गायत्री की साधना करना, और तीसरा है निश्चित समय, जो कि सबसे ज़्यादा मूल्यवान है कि सबसे निश्चित समय पर आपको साधना करना चाहिए, तो फिर निश्चित रूप से आपकी साधना सफल होगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप पर बनी रहे। आज की बात समाप्त, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।